हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ, मुझे मालूम है कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, आनंद से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं एक नई मात्रा। कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। पिछले दिनों हमने पढ़ा था ऊ की मात्रा पिछली कक्षा में, और आज हम करने जा रहे हैं ऊ की मात्रा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से ऊ की मात्रा के शब्द। और ऊ की मात्रा बच्चों कैसे बनती है? ऊ की मात्रा में पीछे पूंछ होती है और ये वाली मात्रा बनती है नीचे। छोटे ऊ की थी ऊपर और ये बनती है नीचे। ये देखिए नीचे गिरी हुई है। और इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं? इसका उच्चारण करते हैं कू पू नू, यानी कि इसको हम थोड़ा खींच के बोलते हैं। जैसे का है, का में मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया कू। राम में मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया रू। टा में मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया टू। ता में मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया टू। और ये मात्रा की पहचान, है एस, नीचे गिरी हुई, ठीक है। तो दा में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे दूध, तो इसको बोलेंगे कैसे? दूध। फ में ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया फूल, फूल। चा में बड़े ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। भ, भा में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो कैसे बन गया? भालू। देखिए मेरा उच्चारण देखिए, भालू। सूरज, सा में ऊ की मात्रा लगी है सूरज, सूरज। कबूतर, कबूतर। अब चलिए अब हम कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों का। ख में ऊ की मात्रा है, देखिए जितने लाल रंग की मात्राएं हैं आप ये देखिए, ये किसकी पहचान है? ये है बड़े ऊ की मात्रा। और इसको हम कैसे बोलेंगे? ऊ खींच के बोलेंगे, यानी कि खूब, डूब, भूल, धूल, फूल, मूल। टूट, फूट, सूट, लूट, दूध, धूप, पूजा, दूजा, सूझा, भूखा, सूखा, रूखा। खजूर, मसूर, मयूर, कपूर, सूरमा, चूरमा। म ज दू, दा में फिर से बड़ू की मात्रा है, म ज दूर। म श हूर, मशहूर। राज दूत, राज दूत। शह तूत, शह तूत। च बूतरा, च बूतरा। खूब सूरत, खूब सूरत, खूब सूरत। और अब हम, अभी हमने शब्दों का अभ्यास किया था बड़े की मात्रा के, और अब हम किसका अभ्यास कर रहे हैं बच्चों? अब हम वाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि, और कौन सी मात्रा का? ऊ की मात्रा, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। और ऊ की मात्रा कौन सी होती है? ये जो लाल रंग के निशान है। तो चलिए अब करते हैं। लालू, मेरे साथ दोहराएंगे इसीलिए मैं थोड़ा रुक के पढ़ रही हूँ। लालू, भालू, वाला आया। वह भालू भी साथ लाया। भालू खूब झूम झूम कर नाचा। शानू दूध लाया। चीनू खरबूजा लाया। भालू दूध पी गया। वह खरबूजा खा गया। चीकू आलू पूरी लाया। भालू आलू पूरी भी खा गया।
भालू बहुत खुश था। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने वाक्यों का अभ्यास किया और एक बार फिर से हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे। कौन सी मात्रा कर रहे हैं हम, बड़े ऊ की मात्रा, जिसकी पहचान ऐसे होती है, रामू झटपट उठ जा, सूरज भी निकल आया, रामू उठकर दूर तक घूम कर आ, फिर दातुन कर खूब नहा, फूल लाकर पूजा कर, फिर दूध पी, काजू व खजूर खा, फिर जूता पहन, डाल पर झूला पड़ गया, रामू झूला झूल, जूही भी झूला झूली, नूरी खरबूजा लाई, सूरज छिप गया। तो बच्चों जैसे मैं बोल बोल कर अभ्यास कर रही हूँ, बोल बोल कर पढ़ रही हूँ, मैं आपसे बार बार यही बोलूँगी, आपको भी हिंदी को आपको जोर से पढ़ना है। जो भी आप वाक्य पढ़ेंगे, जो भी आप सेंटेंस करेंगे, आपको सब बोल बोल कर करना होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएंगे। जैसे कि ये दाधू, तो ये गलत लिखा है, तो हम इसको कैसे ठीक कर देंगे, दूध, सही हमने सही क्रम में लिख दिया। ऐसे है दुगजार, तो हम इसको ठीक कर देंगे जादूगर, जादूगर। अब ये है रकपू, इसको ठीक से करेंगे कपूर, हमने इसको सही क्रम में कर दिया। जूका, जूका को सही कैसे लिखेंगे, काजू। साबू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भूसा। और इसको हम कैसे ठीक करके ले करेंगे, भा में फी छोटे की मात्रा, भूखा। और ये क्या है, सूप। और बाकी के ये जो दो हैं ये क्या होंगे, ये आपका होगा गृह विषय, यानी कि आपको गृह कार्य, आपको ये दो जो हैं ये आपको घर से करके आने। और अब हम चल रहे हैं नीचे, चित्र देखकर ऊ की मात्रा के शब्द लगाकर उनको सही नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे भाल लिखा है, तो भाल में मैंने ऊ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, ये भालू। तो हमने यहाँ पे सही सही लिख दिया भालू। अब ऐसे कबतर, कबतर में ऊ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, कबूतर। और मैंने लिख दिया यहाँ पे कबूतर। और अब ये क्या बनी है, सबको पता है ये मूली बनी है, मली लिखा है लेकिन हमने इस पे ऊ की मात्रा लगा दी, और ये क्या बन गया, मूली। और आखिर में बना है कौन सा फल, खरबूजा, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे, खरबजा। तो ऊ की मात्रा लगा के सही बन गया, ये क्या बन गया, ऊ की मात्रा लगा के खरबूजा। और खरबूजा हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम खर, बामे ऊ की मात्रा, क्या बन गया ये, खरबूजा। तो हमने क्या किया, चित्र देखकर ऊ की मात्रा लगाकर उनके सही नाम लिख दिए। और अब क्या है, अब ये भी है, इसको भी हमें ठीक करना है। जैसे लिखा है मयर, मयर को मैंने कर दिया ठीक मयूर, और हमने सही सही लिख दिया मयूर। मयूर बच्चों, मोर को मयूर भी बोला जाता है, इसका असली जो हिंदी का है मयूर ही बोला जाता है। यहाँ लिखा है पजा, पजा में ऊ की मात्रा लगाई बड़े ऊ की, तो क्या बन गया ये, पूजा। शहतत, शहतत में ऊ की मात्रा लगाई, तो सही शब्द बन गया शहतूत। और फिर ये लिखा है भखा, भखा को हमने ठीक से कर दिया, तो क्या बन गया, भूखा। ठीक, तो हमने इनको ऊ की मात्रा लगा के सही शब्द कर दिए। अब है ऊ या ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बताइए। हमें छोटे ऊ की मात्रा भी लगानी है और बड़े ऊ की भी। सबसे पहले है जामन, तो जामन में ऊ की मात्रा हो जाएगी और क्या बन जाए, जामुन। जामुन, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार,
ठीक से, जामुन, ठीक, खजर, खजर नहीं होता बल्कि क्या होता है, खजूर। तो हम फिर से लिखेंगे, ठीक से लिखेंगे, खजूर। फटबाल, फटबाल को हमने ठीक कर दिया, गलत लिखा था, फू मात्रा नहीं लगी थी तो मैंने ठीक से कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, फुट बॉल, फुटबॉल। फलवारी, फलवारी को फिर से ठीक किया, क्या बन गया, फुलवारी। हमें छोटे उ की मात्रा, ला वा और री, फुलवारी। अब क्या है, त्रिशल, त्रिशल को हमने ऊ कर दिया तो क्या बन गया, त्रिशूल। तराज, तराजू। बखार, बखार में ऊ छोटे ऊ की मात्रा, क्या बन गया, बुखार, बुखार। और फिर झुन, झुना। दोनों में छोटे ऊ की मात्रा लगा के हमने सही से लिख दिया, झुन, झुना। तो हमने क्या किया था बच्चों, इन पे हमने, इन पे शब्दों पे सही सही मात्राएं लगा के हमने इनका सही सही शब्द लिख दिया था, ठीक। और इसके साथ हमारी आज की वाली मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा हमने पूरी कर दी है और हमने सीखा है। तो बच्चों आप इसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करना, बोल बोल के करना, और फिर नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आपके पास आते हैं। तब तक के लिए आभार।